कुछ लैपटॉप पकड़े गए, कितने लोग पकड़े गए, क्या है पूरा मामला? देखिए, फ्लिपकार्ट कंपनी का सामान दो कंटेनर में कोलकाता के लिए जा रहा था। इसमें जो कहानी निकल के आई वो ये थी कि दोनों के ड्राइवर इस पूरी साजिश में सम्मिलित थे। इन्होंने अपने चार अन्य साथियों को कार से बुला रखा था। खुर्जा नगर क्षेत्र में सड़क के किनारे नेशनल हाईवे 91 पे एक ढाबे पर इन्होंने गाड़ी से माल बहुत ही तकनीकी तरीके से, बिल्कुल आधुनिकतम तकनीक का इस्तेमाल करते हुए, ताकि जो शील्ड लगी हुई है वो यथावत बनी रहे, माल निकाल लिया। इसके बाद इनके द्वारा थाने पर चोरी की सूचना दी गई और इस बीच में पुलिस ने एक संदेह के आधार पर तलाशी के दौरान एक गाड़ी को चेक किया, जिसमें ये 49 लैपटॉप, 29 जींस के पैंट और 23 बेडशीट थी। उनसे पूछताछ की जा रही थी कि इसी बीच में चोरी की सूचना आई। इस आधार पर इस पूरे घटना का अनावरण किया गया। जो वादी था, दीपक नाम का जो कंटेनर का ड्राइवर था, जिसने अपनी गाड़ी में चोरी होना बताया था, वो खुद इस घटना में सम्मिलित था। तो इस तरह 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और इनके कब्जे से जो दूसरी गाड़ी थी जिसमें माल लेकर के चले गए थे, वो गाड़ी बरामद की गई है और चोरी गया पूरा माल जो लगभग 26 लाख रुपए मूल्य का है बरामद कर लिया गया है। कितने लोग पकड़े गए थे? कुल 6 लोग इस प्रकरण में गिरफ्तार किए गए हैं और निश्चित तौर पर ये फ्लिपकार्ट कंपनी के लिए भी मतलब एक शोचनीय विषय है, क्योंकि वो जो बाहर लगाते हैं, शील्ड करते हैं, उनका पूरा विश्वास था। कंपनी के लोग आए थे तो उनका कहना था कि हम बहुत ही जो गोपनीय टाइप के भी सामान होते हैं और विभिन्न सरकारी संस्थानों के सामान होते हैं, वो इसी शील्ड के आधार पर भेजते हैं और इसमें किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। शील्ड के लिए एक मशीन बरामद, और इनके पास से एक मशीन बरामद हुई है जो यहाँ सामने है। उस मशीन से जो है ये शील्ड को खोलते हैं और फिर यथावत शील्ड को उसी तरह पैक कर देते हैं। तो इस तरह इनका एक कारनामा बहुत ही गंभीर किस्म का था और कंपनी का भी नुकसान था। इसके अलावा जो इस तरह के सामान राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधित या और भी जो सामान जाते रहते हैं शील्ड करके, उनको भी इस मशीन के द्वारा खोला जा सकता है और जांच करने वाले को किसी प्रकार की कोई आशंका नहीं होगी कि शील्ड टूटी हुई है या नहीं।